말씀은 살아 있기 때문에 because the word is living 그 죽은 나사를 무덤 밖으로 끄집어냅니다. Was able to bring back that Lazarus out of the tomb. 자, 이 예수를 만나는 사람들은 and those who meet with Jesus 그가 어떤 모양과 어떤 상황에 있든지 간에 no matter what shape, no matter what situation they may be 전부 다 변하고 살아납니다. They can all change and live. Sup ko jai masiki. 레위기 성경을 통해서 오늘 화목제에 대해서 같이 말씀을 나누겠습니다. आज हम मेल बलि के विषय में बात करने वाले हैं लेवी व्यवस्था के पुस्तक में से. 레위기 성경 3장 1절부터 말씀을 읽어 내려가겠습니다. सबसे पहले हम लेवी व्यवस्था के तीसरे अध्याय से हम बात करेंगे. हम पूरा अध्याय इस समय में पढ़ेंगे. 사람이 만일 화목제 희생을 예물로 드리되 소로 드리려거든 숫것이나 암것이나 흠 없는 것으로 여호와 앞에 드릴지니 यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए चाहे वह पशु नर हो या मादा तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए 그 예물의 머리 안수하고 회막 문에서 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 제단 사면에 뿌릴 것이며 और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के 그는 또 그 화목제 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे अर्थात जिस चर्बी से आतड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी तो खोंपाक्वा के विए किरम गोत हरी गंबांगे इन्नन गक्वा काने दपिन कपुरल खोंपाक्वा हमके चाल कशियो और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली इन सबों को वह अलग करे आरोने जासनन कगसल तान विपुल विए इन्नन नामो वी पंजेमुल विए सारल चीनी इनन वाजरा यहोवाके हंगिरोन नेमशेनिरा तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे 만일 여호와께 예물로 드리는 화목제 희생이 양이면 숫것이나 암것이나 홈 없는 것으로 드릴지며 यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो तो चाहे वह नर हो या मादा पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए 만일 예물로 드리는 것이 어린 양이면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए 그 예물의 머리에 안수하고 회막 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के 그는 그 화목제 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 그 기름 곧 미러골에서 뱀바 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे और जिस चर्बी से अतड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 근방이 있는 것과 간에 덮인 거포를 콩팥과 함께 취할 것이요. और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली इन सबों को वह अलग करे 제사장은 그것을 단 위에 불사를 지니 이는 화제로 여호와께 드리는 और याजक इन्हें वेदी पर जलाए यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे मानिल येमुरी यमसोम्यन कगसल यहोवा अपरो करदागा यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए कमरी अंसुआगो हेमक
앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के 그는 그 중에서 예물을 취하여 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए अर्थात जिस चर्बी से आतड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी तो खोंपाक과 그 위에 기름 곧 허리 근방이 있는 것과 간에 덮인 거포를 콩팥과 함께 취할 것이요 और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली इन सबों को वह अलग करे 제사장은 그것을 단 위에 불사를 지니 이는 화제로 드리는 식물이요 향기로운 냄새라 모든 기름은 여호와의 것이니라. और याजक इन्हें वेदी पर जलाए यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है. 너희는 기름과 피를 먹지 말라 이는 너희 모든 처소에서 대대로 영원한 규례니라. यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ हमोक्चेरा는 것은 ये मेल बलि जो है हमोक्या는 제물을 의미하고 있습니다. मेल बलि उस बलि को दर्शाता है जो मेल कराता है 하나님과 인간 사이에 가로막히는 죄로 인하여 वो पाप जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बाधा डालता है बहुत लंबे समय तक परमेश्वर और हमारे बीच में कोई संवाद नहीं था उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिरूप में बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा को डाला और परमेश्वर ने हमें ईदन के बगीचे में रखा और परमेश्वर ने हमें सब चीजों पर नियंत्रण करने के लिए और राज्य करने के लिए दिया और परमेश्वर ने आदम से कहा तुम इस बगीचे के सभी फलों को खा सकते हो लेकिन तुम भलाई और बुराई के ज्ञान के फल को न खाना जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे लेकिन उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में उन्होंने शैतान की आवाज को सुना और सर्प से उन्होंने शब्द सुनने के बाद वहां से समस्या शुरू हुई तो जब उन्होंने उस सर्प से आवाज सुनने के बाद उस फल को देखा वो फल जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल को जब खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे लेकिन शैतान से आवाज को सुनने के बाद स्वीकारने के बाद जब उन्होंने देखा वही फल इस प्रकार से उनकी आंखों में दिखा दिया कि वो उनको बुद्धिमान कर सकता है उन्होंने उस फल को लिया उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वो लोग नग्न हैं और उन्होंने खुद को छिपाने के लिए अंजीर के पत्तों के वस्त्र बना लिए और शायद से उन्होंने खुशी से जीवन जिया होता लेकिन एक दिन परमेश्वर अदन के बगीचे में प्रकट हुआ लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और वो परमेश्वर से डर गए और आखिरकार परमेश्वर को उन्हें अदन के बगीचे से निकालना पड़ा और ये उत्पत्ति के तीसरा अध्याय के आखिर में लिखा है और उनको वहां से निकाल देने के बाद परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष की सुरक्षा की हम बाइबल में से वो वचन को देखेंगे हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय को खोलेंगे
마지막 부분에 있는데요. और ये आखिर में 23 वचन में लिखा है इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया जब आप इस 24 वचन को देखते हो परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया ताकि वो और उस वाटिका में नहीं रह सके और अभी वो फिर से मनुष्य के रास्तों के द्वारा मार्गों के द्वारा आदन की वाटिका में लौट नहीं सकते और परमेश्वर ने वहां पर करूबों को और ज्वालामय तलवार को रख दिया जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए उस समय से परमेश्वर के सामने मनुष्य नहीं जा सका और पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दीवार बन गई तो हमें परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए हमें पाप की समस्या को सुलझाने की जरूरत है और परमेश्वर जब इस बात से संतुष्ट होगा और मनुष्य भी संतुष्ट होना चाहिए लेकिन उस पाप के कारण जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बाधा डाले हुए हैं जब हम पाप की समस्या को सुलझा नहीं पाते तब तक मेल नहीं हो सकता तो उदाहरण के लिए हम जब देखते हैं जब हम काम करते हैं तो नौकरी पर हमारे सहकर्मियों के साथ में हमारा झगड़ा होता है या अनबन हो जाती है और इस प्रकार के अनबन के कारण कभी कभी हमारे मन में गुस्सा उभरता है और जब हम हमारे भावनाओं को दबा नहीं पाते कभी कभी आप ऐसे बातों को बोल देते हो या ऐसा कुछ कर देते हो जिसकी इजाजत नहीं है और फिर आप कभी कभी अपने हाथों का इस्तेमाल करके भी झगड़ा करते हो और कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे से सामर्थ्य होने के कारण वो उसको पीट भी सकता है तो हालांकि वो झगड़ा तो खत्म हो चुका लेकिन आपके मन में वो खरोच लग जाती है चोट लग जाती है उनके मन में बात को लेकर रखते हैं और फिर से जब दोस्त आपस में उनको लाते हैं तुम ऐसा क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम ऐसा झगड़ा मत करो एक दूसरे को समझ लो तुमने ये बात को सुलझाना चाहिए ये सब कुछ ठीक है तो भारी रूप से वो लोग कह सकते कि हाँ ठीक है लेकिन उनके मन में ये बात सुलझाई नहीं जाती तो उनके मन में वो लोग गुस्सा करते हैं वो लोग साथ में खाना भी खा रहे हैं और साथ में शराब भी पीते हैं और वो लोग अपने दोनों के बीच में जो समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं तो जैसे साथ मिलकर वो लोग शराब पीते हैं एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो जिस व्यक्ति ने मारा है पीटा है वो आसानी से सुलझा सकता है लेकिन जिसने मार खाई है जो पीटा गया है जिसने चोट खाई है हालांकि उसके शब्दों से तो कह सकता है ठीक है लेकिन उसके मन के गहराई में वो केवल गुस्से में ही रह सकता है और हालांकि वो लोग एक दूसरे के साथ अभी बात भी कर रहे हैं लेकिन उसके मन के गहराई में अभी भी गुस्सा भरा हुआ है और फिर उस दोस्त के प्रति बहुत ही गुस्सा उभरता है और फिर औपचारिक रूप से तो एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं और औपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं लेकिन उनके पास में इस प्रकार का अच्छा रिश्ता नहीं होता जैसे कि पानी बहने के समान और इस प्रकार से मनुष्य जीता रहता है
लेकिन ये सच्चा मेल मिलाप नहीं कह सकते. ये सच्चा मेल नहीं है. और सच्चा मेल होने के लिए दोनों भी संतुष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने आत्मिक जीवन तो जीते हैं, लेकिन क्या कारण है कि परमेश्वर के सामने हमारे मन में सच्ची स्वतंत्रता नहीं है? हाँ, मैं आनंदित हूँ और संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे सामने वाला आदमी वैसा नहीं है. तो अगर मेरी खुशी, मेरा आनंद परमेश्वर की खुशी और आनंद नहीं बनता, मैं तो नाच रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, धन्यवादित हूँ, लेकिन परमेश्वर उसी समय गुस्से में भी हो सकता है. इसलिए अगर परमेश्वर की खुशी मेरी खुशी बनती है तो फिर कोई समस्या नहीं. तब हमारे मन में हम सच्ची स्वतंत्रता को भी पा सकते हैं. लेकिन मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं बनती, और परमेश्वर की खुशी और प्रसन्नता मेरी खुशी और प्रसन्नता नहीं बनती, इसलिए मेरे मन के केंद्र में सच्ची स्वतंत्रता नहीं होती. और अगर मेरा मन परमेश्वर के मन के साथ एक है तो तो मैं कुछ भी क्यों ना करूं, मैं बहुत ही खुश और स्वतंत्र रह सकता हूँ. और अगर मेरा मन परमेश्वर के मन के साथ मिला हुआ है, मैं कुछ भी क्यों ना करूं, मैं उससे बंधा हुआ नहीं रहूंगा. मैं उसके विषय में बहुत ही संवेदनशील नहीं होऊंगा, बोझ भरा नहीं होऊंगा, मैं स्वतंत्र रह सकूंगा. लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में जो दीवार है, जो बाधा है, हम इस समस्या को सुलझा नहीं पाते. इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमने पाप की समस्या को सुलझाने की जरूरत है, और परमेश्वर के साथ में सच्ची संगति करने के लिए, और हमें पाप की समस्या को भी सुलझाने के लिए जो हमें बाधा डाल रही है, मैं जानता हूँ कि इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा जो हमारे लिए सच्चा मेल बलि है. और आज जैसे हमने लेवी व्यवस्था का तीसरा अध्याय पढ़ा, और ये मेल बलि के विषय में बात करते हैं और कैसे हमें इस मेल बलि को देना है ये भी कहा है. तो हम लौटेंगे लेवी व्यवस्था के तीसरे अध्याय में. तो यहाँ पर मेल बलि के विषय में लिखा गया है, अगर हम एक वचन को देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब उसका वो बलिदान जो है हालांकि वो नर हो या मादा, तो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे चढ़ाए, और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे. और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के. और जब हम देखते हैं कि इन पशुओं के साथ में वो लोग क्या करते हैं, तो जब आप उसको जलाते हो तो वो चर्बी जो अंतड़ियों को ढापती है, और जो चर्बी दोनों गुर्दे को ढापती है और कलेजे के ऊपर की झिल्ली है, उन सबको वो अलग करे. तो आपने वो सब कुछ अलग करना है. और जो लकड़ियों पर होगी, जो आग के ऊपर है, उस पर उसको हवन करे. और ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे. जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर इस सुखदायक सुगंध वाले हवन का एक विशेषता है, आप बस ऐसे उसे नहीं चढ़ाते. तो आप सब चर्बी को निकालते हो, उस
पशु में से और फिर उसको जलाते हो, उसका हवन करते हो। तो इस विषय में लेवी व्यवस्था के तीसरे अध्याय के एक से पांच वचन तक लिखा गया है, और वहां से आगे भी अलग कहानी है। यदि वह एक भेड़ बकरियों में से हो तो फिर वैसे किया जाता है, लेकिन एक चीज है जो सामान्य है और एक समान है, वो है उसके सिर पर हाथ रखना और उसके चर्बी को निकालकर अलग रखना और सब कुछ हवन करना परमेश्वर के आगे, तब परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। और क्या होता है जब हम सब चर्बी निकाल लेते हैं, तो फिर वो चमड़ा वैसे ही नहीं रह सकता, सही है, क्योंकि चर्बी है जो चमड़े को एक कट्ठा रखती है, एक साथ रखती है। लेकिन अगर आप चर्बी को निकाल देते हो उसमें से, तो फिर वो चमड़ा वैसे ही नहीं रह सकता, और फिर सब इकट्ठा करके जब परमेश्वर को हवन करते हैं तो परमेश्वर के लिए सुगंधित वो हवन है। और ये क्या दर्शाता है, और ये चर्बी सामर्थ को या शक्ति को दर्शाता है। मनुष्य के पास में कितने भी अच्छे पेशियां हो, कितने भी अच्छी ताकत हो, बल हो, तुमने उसको निकालना है, वही मतलब है चर्बी को निकाल देना, उसको अलग करना। तो हमने वो सब कुछ उसके बाद जला देना है या हवन करना है।참된 화목 제물은 바로 예수 그리스도입니다. 사치 메일 발이 조 해, 뭐 이슈 마시 해. 그게 안 되면 절대로 하는 인간 화목이 안 되겠죠. 어리 이슈께 비나, 함 메일 거리 니 석대. 하나님이 이 모든 기름이 탔을 때 그 향기로운 냄새 그걸 흠냥하신다 그랬어요. और जब सब कुछ हवन में जलाया जाता है तो वो परमेश्वर के लिए बहुत ही सुगंधित सुगंध वाला, सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरता है। और तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 여러분이 이런 짐승이나 사람이 타는 냄새를 안 맡아봐서 그렇지. 어리에 이슬리에 해, 그게 동네 우스가 수건 내일이야 이슬리에. 정말 냄새가. 이게 사실무치에 수크다약 수건 왈라 하반해. 사람이라면 맡을 수 없을 만큼 고약스러운 냄. 아슬리트면 모누시키리에 뭐하티 버드부다르해, 이트나 버드부다르 캬 센비 니까 사테. 냄새를 뭐라고 하셨냐면. लेकिन परमेश्वर ने उसी सुगंध के विषय में क्या कहा, कि वो सुखदायक सुगंध है। ये क्या दर्शाता है, परमेश्वर मनुष्य से नफरत करता है। जिस दिन आदम ने सर्प के आवाज को सुनकर भलाई और बुराई के ज्ञान के फल को खाया, हालांकि वो वही मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि हम उस सीमा से बाहर चले गए जहां पर हम परमेश्वर के शब्द को और सुन नहीं सकते, और अभी वो मनुष्य उपयोग किया नहीं जा सकता। इसलिए और उस समय से आदम और हवा ने सर्प की आवाज को सुना, उनकी आंखों पर भरोसा किया, उनके खुद के न्याय पर, अंदाज पर भरोसा किया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, तो वो अभी व्यर्थ हो चुके हैं। क्योंकि अगर वो लोगों को उस अदन के वाटिका में रखा गया तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए परमेश्वर इस विषय में चिंतित था। अभी उनके पास में सचमुच में भलाई और बुराई का ज्ञान आ चुका है, इसलिए और परमेश्वर चिंतित था कि कहीं वो लोग जीवन के वृक्ष के फल को भी ना खा ले। अगर वो पाप को रखते हुए जीवन के वृक्ष के फल को खा लेंगे तो,
तो फिर वो निरंतर पापी के रूप में ही जिंदा रह सकते थे और उस समय से परमेश्वर उनको बनाने के उद्देश्य से उनको चला नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने उनको तुरंत ईदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर को उनको रोकना पड़ा ताकि वो लोग जीवन के वृक्ष के फल में से न खा सके। उनको बिल्कुल भी परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष से खाने नहीं दिया कि वो उस जीवन के वृक्ष के फल को ना खाए पाप को उनके अंदर रखते हुए। और पाप हमें परमेश्वर से अभी बाधा डाल रहा है और इसलिए मैं कुछ भी क्यों ना करूं मेरी तरफ से परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाने से पहले या अर्पण चढ़ाने से पहले हमने पाप की समस्या को पहले सुलझाने की जरूरत है। हम इस समस्या को सुलझाने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल कर सके। हम एक वचन को देखेंगे बाइबल में से, इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन को हम देखेंगे। इब्रानियों के 9 अध्याय का 11 वचन मैं पढ़ूंगा। क्रिस्तुकेसो जांगने 좋은 일에 대제사장으로서 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 그 온전한 장막으로 말미암아. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया और हमारे पापों को हमेशा के लिए धो दिया। तो यीशु स्वर्ग के मिलाप तंबू में प्रवेश किया और उसने हमारे पाप के समस्या को सुलझा दिया और उसने अनंत काल के लिए हमारे पापों को धो दिया और यीशु के लहू के द्वारा उसने हमें शुद्ध कर दिया ऐसा लिखा है। इसलिए 14 वचन में ऐसा लिखा गया है ऐसा लिखा है कि मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। उसने हमारे सब पापों को धो दिया है और उसने उन सभी दीवारों को तोड़ दिया है जो हमें परमेश्वर से बाधा डाल रही थी और वो हमारे लिए सच्चा मेल बलि बना है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की उसने हमें परमेश्वर के बीच में होने वाले उस पाप की समस्या को सुलझाया। यशया में इस प्रकार का वचन लिखा गया है यशया के 1 अध्याय में अगर हम जाकर देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए साथ मिलकर हम उस वचन को देखेंगे। जब हम यशया के 1 अध्याय के 2 वचन को देखते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है हम 2 से 6 वचन तक पढ़ेंगे।
하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, चार वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कुकर्मी जाति, अधर्म अधर्म का समाज, और तुम लोग कुकर्मी हो, तुम बिगड़े हुए हो। और उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है और उन्होंने बलवा किया है। पांच वचन को हम देखेंगे और यहाँ पर लिखा है तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। छह वचन को भी देखेंगे उसने कहा है कि पाव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है, तुम सचमुच में अधर्म से भरे हुए हो, तुम बिगड़े हुए हो, तुम कुकर्मी हो, तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, तुमने पवित्र को तुच्छ जाना है और तुमने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा भी किया है। तो मनुष्य के बारे में सभी बुरी बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर लिखा है पाव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह है और सड़े हुए घाव है, सड़ चुका है सब कुछ, और परमेश्वर इसको ठीक करना चाहता है। हालांकि वो हमें सुधारना चाहता है क्योंकि हम उसके विरोध गए। ये मनुष्य क्या कर सकता है? तो जब हम 11 से 15 वचन तक देखते हैं, उन्होंने सचमुच में ऐसा जीवन जिया परमेश्वर के सामने, फिर भी वो उनको दिए गए सब दिन वो लोग पालन करते हैं, वो लोग परमेश्वर की सभा को रखते हैं, वो लोग अर्पण चढ़ाते हैं और वो परमेश्वर के सामने बहुत ही मेहनती परिश्रमी जीवन जीते हैं। लेकिन 11 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा यह कहता है तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेड़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं के चर्बी से आगा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे अंगनों को पाव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम कुछ भी क्यों ना करो मैं उससे परवाह नहीं करूंगा। तुम कितना भी मुझे मेल बलि चढ़ाओ, किसने तुमसे कहा, किसने तुमसे मांगा ये सब चीजें? मैं नहीं हूं, मैं मुझसे नफरत है मुझे इस चीजों से। मेरे पास में ये चीजें लेकर कभी मत आना, इन बलिदानों को मेरे सामने मत चढ़ाओ। और ये सचमुच मुझे तुच्छ मानने के समान है। तुम कितना भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। तुम अगर मुझसे मदद मांगोगे मैं मेरी आंखें बंद कर दूंगा। ये क्या कारण है?
क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं. क्या उन्होंने किसी को मार डाला? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं? क्या कारण है? निश्चित ही इसका कारण या इसका उत्तर बाइबल में लिखा ही है. और क्यों परमेश्वर मनुष्य से कोई भी सभा स्वीकारना नहीं चाहता? और जैसे हमने 2-6 वचन में देखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को तुच्छ माना, परमेश्वर को इनकार किया, परमेश्वर को छोड़ दिया. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं है. वो लोग शब्बात को पालन कर रहे हैं, वो लोग सभाओं में प्रचार कर रहे हैं, और उनके पर्वों के समय में वो लोग परमेश्वर के सामने सभा रख रहे हैं और परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहे हैं. लेकिन परमेश्वर ने उनसे नफरत की. परमेश्वर ने कहा कि ये व्यर्थ बलिदान है. लेकिन लेव व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा तुमने इस प्रकार से अर्पण चढ़ाना चाहिए. लेकिन यशा के पहले अध्याय में परमेश्वर कहता है कि यह व्यर्थ बलिदान है. क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं. इसका मतलब क्या है? अगर आप यशा के 59 अध्याय में जाते हो तो वहां पर कारण लिखा है. हम जाकर देखेंगे. यशा का 59 अध्याय का 1 वचन. सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता. क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है. 1 वचन में क्या कहा गया है? ऐसा लिखा, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि न सुन सके. वो हमारा उद्धार कर सकता है या उसका कान बहरा नहीं हो गया कि वह हमारा सुन न सके? वो हमारे मन के कल्पनाओं को भी जानता है, तो फिर क्यों वो हमारी मदद नहीं करता? उसका कारण 2 वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता. हमारा अधर्म का क्या है? आदम का अधर्म क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि उन्होंने भलाई और बुराई के ज्ञान का फल खाया, इसलिए उस समय से पाप प्रवेश किया. उनके पास में वो फल खाने का निर्णय नहीं था, क्योंकि वो केवल परमेश्वर से चलाए जाने वाले लोग थे. लेकिन जब उन्होंने सर्प से आने वाले आवाज को सुना और स्वीकार किया, जब उन्होंने सर्प के शब्द को स्वीकार करके उस फल को देखा, उस समय उन्होंने क्या सबसे पहले स्वीकार किया? उन्होंने सर्प के शब्द को स्वीकार किया, उन्होंने शैतान को स्वीकार किया. उस समय वो आत्मा उनके मन में प्रवेश करके उन पर राज्य करने लगा, उनके शरीर पर राज्य करने लगा, और उनके मन ने उनको शरीर के द्वारा सब चीजों को देखने लगाया. इस वजह से वो लोग ऐसे चलाए गए और उन्होंने उस फल को लिया और खाया. और ये फल जो उन्होंने लेकर खाया, ये समस्या नहीं है, उससे पहले पाप उनमें प्रवेश कर लिया था. उस पाप ने उनको पाप करने लगाया है. तो मेरे मन में जो अधर्म ने प्रवेश किया है, उसने हमें पाप करने लगाया है. ऐसा नहीं है कि
मैं व्यभिचार करने के बाद मुझ में वासना से भरापन आता है। शुरुआत से मेरे मन में वासना भरा मन रहता है, शंका रहती है, वो सब सोच मेरे मन में रहते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य पैदा होता है वो शैतान के द्वारा सिखाया जाता है, व्यभिचार करना बुरा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो शैतान तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। तो इस प्रकार का बहुत सारे उलझन उनके मन में भरे हुए हैं, लेकिन उनके मन में व्यभिचार करने का मन तो पूरा भरा हुआ है। और फिर वो मन चलाता है हमें व्यभिचार करने के लिए, तो करने के बाद हालांकि आप पछताते हो, लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपका शरीर ने व्यभिचार किया है क्या? नहीं, वो मन है जिसने शरीर को चलाया है व्यभिचार करने के लिए। वो शक्ति है जो आपके मन को चलाई है पाप करने के लिए। तो आदम और हवा के मन में वो शक्ति प्रवेश की और वो अधर्म की शक्ति है जिसने उनको पाप करने लगाया। तो दो वचन लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ये पाप जो मेरे मन में है वो मुझे परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देता, जानने नहीं देता। तो मेरा मन परमेश्वर को छोड़ दिया है और परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाला मन है। लेकिन मेरे शरीर में व्यवस्था के कारण मैं सभा भी रखता हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा भी करता हूँ, लेकिन हमारे मन में हमें पाप की समस्या सुलझाने की जरूरत है, तब हम आत्मा में स्वतंत्रता पा सकते हैं। और ये केवल मेल होने के बाद ही संभव है। मत्ते के तीसरे अध्याय में जब यीशु योहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा पाया, पहली बार परमेश्वर ने अपना मन मनुष्य के प्रति खोल दिया। उस समय में क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का सब पाप यीशु मसीह पर चला गया, और यीशु ने कहा, सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए मुझे योहन्ना के द्वारा बपतिस्मा पाने की जरूरत है। क्योंकि योहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों आते, मैंने तुमसे बपतिस्मा पाना चाहिए। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम हट्टी मत बनो, मुझे बस बपतिस्मा दो। हमने ऐसा करना ही चाहिए ताकि हम सारी धार्मिकता को पूरा कर सके। तो जब उसने बपतिस्मा पाया और वो पानी से बाहर निकला, परमेश्वर ने स्वर्ग को खोलकर बात की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। ये पाप जो हमें परमेश्वर से रोक रहा था, यीशु ने उसको उठा लिया। यीशु जो हमारे लिए सच्चा मेल बलि बना है, इस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ एक हो पाए हैं, और यीशु हमारे लिए वो मेल बलि बना। इस रीति से परमेश्वर के सामने हमें स्वतंत्रता से जाने के लिए उसने मार्ग को खोल दिया है। लेकिन शैतान हमें इस बात पर विश्वास करने नहीं लगता। हम रोमियो के तीसरे अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है,
कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यहाँ पे जब हम 25 वचन को देखते हैं यहाँ पे लिखा है वो यीशु परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, तो उसके लहू मतलब यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया और वो हमारे लिए वो प्रायश्चित ठहरा है। और परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण वो सब पाप जो पहले किए गए उस पर डाल दिया, उस पर लाद दिया। और परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप की समस्या थी उसको सुलझाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। और परमेश्वर ने मेल बलि के लिए पशुओं को ठहराया था। तो वो नर हो या मादा हो, तो जब आप यहाँ पे सभी पशुओं को देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि कभी भी तुम दोष वाले पशुओं को मत उपयोग करना, तुम हमेशा निर्दोष पशुओं का उपयोग करना। तो परमेश्वर ने ये जो काम है किसी को भी नहीं दिया बल्कि केवल यीशु मसीह को दिया। 3장 6절에 보면 जब हम यशया के 56 अध्याय को देखते हैं वहां पे लिखा है कि हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब के सब भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हम सब के अधर्म को उसी पर लाद दिया। पाप के कारण हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे पापों को सुलझाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना और हमारे सभी अधर्मों को यीशु मसीह पर ला दिया और हमारे इस समस्या को सुलझाने के लिए यीशु मनुष्य का शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आया। और इसी इच्छा के वजह से यीशु योहन्ना बपतिस्मा दाता के पास गया और उसने बपतिस्मा पाया ताकि वो सभी धार्मिकता को पूरा करे। उसने सभी पापों को स्वीकार किया और क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा, उस लहू के द्वारा, और 25 वचन में ऐसा लिखा है कि वो हमारे लिए उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा है। ये वो काम है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। इसलिए मत्ते के तीसरे अध्याय में परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया, अभी उसे बंद रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पाप चला गया है, अभी स्वतंत्रता आ चुकी है, इसलिए उसने उस द्वार को खोल दिया और परमेश्वर ने उस मार्ग को खोल दिया ताकि मनुष्य परमेश्वर के पास लौट सके। हम इब्रानियों के 10 अध्याय में देखेंगे, इब्रानियों का 10 अध्याय 19 उसका 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, तो हनानिमी चिप दासिन खन जैसा जाएंगे, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। तो परमेश्वर ने नया और जीवित मार्ग खोल दिया है पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, ताकि कोई भी स्वर्ग में प्रवेश कर सके। तो उसने पाप की समस्या को पूरी तरह से सुलझा दिया है और उसने परिपूर्ण रीति से उसको सुलझा दिया है।
믿고 나오기만 इसलिए कोई भी क्यों ना हो अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर के पास जाने का मार्ग खुल गया है हम एक और वचन को पढ़ेंगे योहान 1서 2장 1절 말씀을 हम पहला योहन्ना उसका दूसरा अध्याय योहान 1서 2장 1절입니다 उसका एक वचन हम पढ़ेंगे मैं पढ़ूंगा 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도야 हे मेरे बालको मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह 저는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위함이시냐 और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी 자 예수님 우리 죄를 위한 화목 제물이 되셨다고 되어 있습니다 तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है 이 화목 제물 예수님과 함께 예수님의 제물을 들고 나가면 तो अगर हम यीशु मसीह को लेकर जाते हैं जो हमारे पापों का प्रायश्चित है इस शिदे ते जेरल बम इंगांदरी ई हमोकजेरल विएसो जेमुरल तो पुराने दिनों में जब मनुष्य परमेश्वर के सामने अर्पण को लेके जाता था उस समय कुदरल पादेशतन परमेश्वर उसको स्वीकार करता था उरीदो यक्षी येशुनिमल वैसे हमारे लिए भी है जब हम यीशु मसीह पर निर्भर रहकर परमेश्वर के सामने जाते हैं उस समय परमेश्वर हमें स्वीकार कर सकता है 우리가 하나님 사이 이 죄는 해결됐습니다. 그게 이슈네 हमारे और परमेश्वर के बीच के पाप को सुलझा दिया है. 하목제물이신 예수님을 의지해서 हम सब यीशु के प्रायश्चित पर हम भरोसा करेंगे निर्भर रहेंगे और हम अनुग्रह के जीवन को निरंतर जी सकेंगे. हम यहीं तक खत्म करेंगे. धन्यवाद.